हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपके लिए पांच इंपॉर्टेंट टाइम एंड वर्क से रिलेटेड सवाल लेकर आया हूं, जो कि एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। दोस्तों, इस टाइप की कोई भी सवाल आप मात्र 5 सेकंड के अंदर आप सॉल्व कर सकते हैं, इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। ए किसी काम को 10 दिन में पूरा करता है, वही बी इसे 15 दिन में पूरा करता है, तब दोनों मिलकर इस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। दोस्तों, मात्र 5 सेकंड के अंदर आप सॉल्व कर सकते हैं, इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। देखिए, ए जो है किसी काम को कितने दिन में, 10 दिन में करता है, और बी जो है किसी काम को कितने दिन में करता है, 15 दिन में। दोस्तों, अब आपको क्या करना है, देखिए 10 और 15 का एलसीएम लेना है। 10 और 15 का एलसीएम होता 30। अब आपको क्या करना है, देखिए 30 में जो है एक बार 10 से भाग देंगे तो कितने बार में, 3 बार में। एक बार 15 से भाग देंगे तो 2 बार में। यानी कि ए जो है एक दिन में 3 काम करता है, बी जो है एक दिन में 2 काम करता है, और क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, दोनों मिलकर इस काम को कितने दिन में करेंगे। दोस्तों, दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम कर रहा है, 5 काम कर रहा है, और काम कितना है, 30 काम है। तो 30 में हम क्या करेंगे, 5 से भाग देंगे तो कितना बार में, 6 बार में, यानी कि 6 दिन लगेगा। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर है। दोस्तों, चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। ए किसी काम को 20 दिन में पूरा करता है, वही बी इसे 30 दिन में पूरा करता है, तब दोनों मिलकर इस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। दोस्तों, मात्र 5 सेकंड के अंदर आप सॉल्व कर सकते हैं, इससे ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। देखिए, ए जो है किसी काम को 20 दिन में करता है, और बी जो है किसी काम को कितने दिन में करता है, 30 दिन में करता है। दोस्तों, 20 और 30 का आपको क्या करना है, एलसीएम निकालना है। 20 और 30 का एलसीएम होता है 60। अब आप क्या करेंगे, 60 में एक बार 20 से भाग देंगे तो कितने बार में, 3 बार में। एक बार 30 से भाग देंगे तो 2 बार में। दोस्तों, देखिए, ए जो है एक दिन में 3 काम करता है, बी जो है एक दिन में 2 काम करता है, और क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, दोनों मिलकर इस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम कर रहा है, 5 काम कर रहा है, और टोटल काम कितना है, 60 है। तो 60 में हम क्या करेंगे, 5 से भाग देंगे तो कितना बार में, 12 बार में, यानी कि 12 दिन आपका राइट आंसर है। देखिए, बी ऑप्शन जो है आपका राइट आंसर है। दोस्तों, चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। ए बी सी किसी काम को क्रमशः 10, 12, 15 दिन में पूरा करते हैं, यदि तीनों मिलकर काम करें तो कितने दिन में पूरा होगा। दोस्तों, कोई भी सवाल, इस टाइप की कोई भी सवाल आप मात्र 5 सेकंड के अंदर आप सॉल्व कर सकते हैं, इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। देखिए, ए जो है किसी काम को 10 दिन में करता है, और बी जो है किसी काम को कितने दिन में करता है, 12 दिन में, और सी जो है किसी काम को कितने दिन में करता है, 15 दिन में। दोस्तों, ये तीनों का आपको क्या करना है, एलसीएम निकालना है। 10, 12 और 15 का एलसीएम होता है 60। 60 में आप क्या करेंगे, एक बार 10 से भाग देंगे तो 6 बार में, एक बार 12 से भाग देंगे तो 5 बार में, एक बार 15 से भाग देंगे तो 4 बार में। दोस्तों, देखिए, ए जो है एक दिन में 6 काम करता है, बी जो है एक दिन में 5 काम करता है, और सी जो है एक दिन में 4 काम करता है। दोस्तों, क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि तीनों मिलकर कितने दिन में पूरा करेंगे। देखिए, तीनों मिलकर एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, 6 और 5 11, 11 और 4 कितना होगा, 15, और टोटल काम कितना है, 60 है, और एक दिन में कितना काम हो रहा है, 15 हो रहा है, तो 15 चौका 60, यानी कि 4 दिन लगेगा। देखिए, सी ऑप्शन आपका राइट आंसर है। दोस्तों, चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। राम किसी काम को 15 दिन में पूरा करता है, श्याम उसी काम को 60 दिन में पूरा करता है, दोनों मिलकर काम करें तो कितने दिन में पूरा होगा। दोस्तों, देखिए, कोई भी सवाल मात्र 5 सेकंड के अंदर सॉल्व कर सकते हैं, इस टाइप की कोई भी सवाल आप मात्र 5 सेकंड के अंदर आप सॉल्व कर सकते हैं। देखिए, राम जो है किसी काम को कितने दिन में करता है, 15 दिन में, और श्याम जो है किसी काम को कितने दिन में करता है, 60 दिन में। दोस्तों, आपको क्या करना है, देखिए 15 और 60 का आपको क्या करना है, एलसीएम लेना है। एलसीएम कितना होता है, 60 होता है। 60 में क्या करेंगे, एक बार आप 15 से भाग देंगे तो 4 बार में, और एक बार 60 से भाग देंगे तो 1 बार में। दोस्तों, यहां समझने वाली बात है कि राम जो है एक दिन में 4 काम करता है, और श्याम जो है एक दिन में 1 काम करता है, और दोनों मिलकर, क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, दोनों मिलकर कितने दिन में पूरा करेंगे। तो दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम कर रहा है, 5 काम कर रहा है, और टोटल काम कितना है, 60 है। तो 60 में हम क्या करेंगे, 5 से भाग देंगे तो 12 बार में, यानी कि 12 दिन में पूरा करेंगे। ए ऑप्शन आपका राइट आंसर है। दोस्तों, चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। ए बी सी किसी काम को क्रमशः 20, 40, 60 दिन में पूरा करते हैं, यदि तीनों मिलकर काम करें तो कितने दिन में पूरा होगा। दोस्तों, देखिए, बड़ा से बड़ा सवाल आप मात्र 5 सेकंड के अंदर आप सॉल्व कर सकते हैं, इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। देखिए, ए जो है किसी काम को कितने दिन में करता है, 20 दिन में, और बी जो है किसी काम को कितने दिन में करता है, 40 दिन में, और सी जो है किसी काम को कितने दिन में करता है, 60 दिन में। दोस्तों, ये तीनों का आपको क्या करना है, एलसीएम निकालना है। ये तीनों का एलसीएम कितना होता है, 120 होता है। 120 में आप क्या करेंगे, एक बार
बार 20 से भाग देंगे तो 6 बार में, एक बार 40 से भाग देंगे तो 3 बार में, एक बार 60 से भाग देंगे तो कितने बार में, 2 बार में। दोस्तों ए जो है एक दिन में 6 काम करता है, बी जो है एक दिन में 3 काम करता है और सी जो है एक दिन में 2 काम करता है। तो क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, तीनों मिलकर इस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो तीनों मिलकर एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, 6 और 3 9, 9 और 2 11 और टोटल काम है 120। 120 बटे 11 दिन आपका राइट आंसर होगा। दोस्तों अगर हम इसे पूर्णांक में बदलना जाएं तो 10 पूर्णांक 10 बटे 11 दिन आपका राइट आंसर है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि छोटी सी वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं बहुत जल्दी दूसरे वीडियो में दूसरे ट्रिक के साथ।